सचिन, अच्छा रुकिए गुलाम, अभी आप रुकिए सचिन, आप एक बात बताइए, आप सीमा जी से कहां मिले? और आप पर भी आरोप है, आप दोनों अभी बेल पर हैं कि आप इलीगली उनको भारत के अंदर लेके आए। जी सर, बताइए। हम नेपाल में मिले थे पहली पहली बार तो पहले तो हम मिले थे पबजी में। पबजी में मिले थे सर हम, पहले पबजी में मिलते मिलते हमने व्हाट्सएप नंबर चेंज किया। 2020 में हम पबजी में मिले थे पहली बार। जी बोलिए। तो पबजी में मिले थे, तो हम 2020 में मिले थे पबजी में। उसके बाद फिर हम नेपाल गुलाम देखे मैंने आपको बार बार कहा है कि अभी आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, जब मैं आपको कहूं तब आप बोले। देखिए नहीं तो मैं ये गलत बात है। आपके चिल्लाने से बात मामला नहीं, आपकी बात सामने रखी गई है, सीमा की बात सामने रखी गई है। अब संजय बोल रहे हैं, मैं उनसे सचिन बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। अच्छा बताइए। जी सर, हाँ बोलिए। फिर मिले तो पबजी में थे, पर रियल क्या कहते हैं, हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। ठीक है, मुलाकात हुई थी हमारी 10 मार्च में। हाँ। हम 7 दिन वहाँ पर रहे थे और 13 मार्च को हमने शादी भी करी थी नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में। तो मैंने मांग भी भरी थी। इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो हमारी पड़ी है, यानी शुरू से लेके अब तक की वीडियो सारी पड़ी है अब तक की। नहीं पर सचिन, आपको ये मालूम था कि ये पाकिस्तान में शादीशुदा हैं सीमा? आपको पता था कि उनका तलाक पूरी तरह से फॉर्मली नहीं हुआ है? और गुलाम उनका पति है जो सऊदी अरब में है, आपको ये सारी बातें पता थी सचिन? पता ही नहीं है, ये काठमांडू में इसका जो है ना बाप का राज है, ये शादी करके अपने पास ये रखेगा। गुलाम मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रुकिए, सचिन बताइए। सर पता थी मुझे, 2021 में ही पता पड़ गई। खैर मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, बालकों को मैं क्या कहते हैं अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ, और क्या कहते हैं इसको भी अपने आप से ज्यादा प्यार दूंगा मैं। पर आप भारत के अंदर आप भारत के अंदर सीमा और उनके बच्चों को इलीगली लेकर आए? जी सर, ऐसा वहां से तो पासपोर्ट से आई थी, पासपोर्ट वीजा टिकट सब डॉक्यूमेंट्स थे। परंतु सर हमने इंडिया के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई करा था, परंतु सर वहां जगह से वीजा के लिए वीजा मिल नहीं रहा था इंडिया का। तो जब हम आखिर में हमें इंडिया का वीजा नहीं मिला, तो आखिर में हमने ये उठाया कदम कि आप नेपाल से आओ। अच्छा अब गुलाम का ये कहना है सचिन कि जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है, उसका कहना है कि सीमा और उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और अगर उसको तलाक चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से नहीं भेजूंगा। आप नहीं भेजेंगे उसे? तुम रखो, वो मेरी बीवी है, और मैं तुम्हारी बीवी कहाँ से भाई? ओए बात हो संभाल के करो, तुम्हारी बीवी है, हो आवाज से बात करो। अरे आराम से, मेरी बीवी है। अरे आराम से, अब आप सीमा जी या तो उससे बात कर लो या मुझसे बात कर लो। नहीं, बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, समझ गया सर, बात मुझ पे भी ठीक से करनी आती है फिर। नहीं, मैं समझ गया सचिन, आपको 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 अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं है, ना ही गुलाम को है। हम सबसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए चीखा चिल्ली से कुछ नहीं होता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप जने से बात करो ना पहले। जी उसकी आवाज़ बोलिए सचिन। हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सचिन, अब आप क्या करना चाहते हैं? गुलाम कहते हैं कि तलाक नहीं हुआ है, वो उनकी बीवी है, बच्चों को भी कस्टडी भी चाहते हैं। आपका और सीमा का और बच्चों का क्या कहना? सर इसका तलाक हो चुका है, इसका मोहजवानी तलाक हो चुका है, ये मैं इसकी कसम भी खाता हूँ, और ये मुझसे खुद कहती थी। मैं इस पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करता हूँ, ये मुझसे ना, मैं इससे एक बात भी छुपाता था ना, ये मुझसे एक बात छुपाती थी। पर आप एक बात बताइए, दिन और रात हम कॉल पे रहते थे। जी तो सचिन मैं आपसे, अगर आपको सारी बातें पता है, तो आपको ये भी पता है कि भारत के कानून का आपने कानून तोड़ा है, सीमा ने और उनके बच्चों ने भी भारत के अंदर इल्लीगली प्रवेश करके कानून तोड़ा है, तो अब इसका समाधान कैसे होगा? जी मजबूर है, इसका समाधान कैसे होगा? वही गुलाम हैदर का कहना है कि उसके साथ उसकी तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हम जी हाँ सर उसकी तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हाँ ये हम पे ये कदम उठा है, ये गलत था, हम आने का तरीका गलत था।
इरादा गलत नहीं था, परंतु आने का तरीका गलत था। वो उसके लिए हम, यानी कि जो सरकार या हमारे हिंदू, वो क्या कहते हैं, जनता पार्टी, यानी कि हमारे जो तो आप, भाई आपके जो लीगल एडवाइजर्स हैं और वो जो कहेंगे वो मानने के लिए। पर आपके परिवार में सचिन, क्या उन्होंने सीमा को कबूल किया है, उनके बच्चों को कबूल किया है? जी सर, तन मन धन से कबूल किया है सबको। आपके परिवार में किसी ने रोका नहीं है आपको? सब क्रम में आ नहीं सर, किसी ने नहीं रोका, सब अंदर जाएंगे। अब आप कह रहे हैं आपके परिवार में किसी ने नहीं रोका। अच्छा सीमा जी, एक बात बताइए, इसका विकल्प क्या है? क्योंकि एक तरफ गुलाम का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप कह रही है आप वापस जाएंगी तो आपको मार दिया जाएगा। सर, इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई, अब ये तीसरी चौथी भी शादी आराम से कर सकते हैं, इनमें ये चलता है, 1 लाख देंगे 2 लाख देंगे तो इनको लड़की मिल जाएगी इनके गाँव में, ये इनको चिंता नहीं है। और इनके पहले भी 2 बच्चे हैं, तो वो उनकी, जब वो आज तक स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा तो मेरे बच्चों को क्या खाक स्कूल पढ़ाएगा? जब पहले 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों से बड़े हैं, बेटी तो बेच दी गई बेचारी की, अब तो शादी भी हो गई, उनका नहीं करा तो मेरे बच्चों का क्या खाक करेंगे ये? आप इनसे पूछे, फिर भी अगर मेरे बच्चे जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर रही, मैं हर बात से एग्री हूँ। मुझे जबरदस्ती में बच्ची तो नहीं हूँ, इनकी बेटी तो मैं नहीं हूँ ना, क्या बस मैं इनपे, मेरा मुझे हक बनता है और मुझे अपने पास ले जाएंगे? अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ फिर भी मेरा मेरा अधिकार है, मैं कह सकता हूँ इनके साथ नहीं रह सकता। आप अभी जाके भारत में बैठ के जो तू बोल रहा है कि मुझे तलाक दे, ऐसा कोई तलाक हुआ जबरदस्ती का? नहीं, पर एक बात बताइए गुलाम, अगर अगर ये वापस नहीं आना चाहती, आप जबरदस्ती इन्हें वापस क्यों बुलाना चाहते हैं? और ये कह रही है कि आप बच्चों के, अगर बच्चे आना चाहते हैं आपके पास ये भेज देंगे? वो ये कह रही है गुलाम आपको कि अगर बच्चे वापस आना चाहते हैं वो भेज देंगी, आप लेने को तैयार है बच्चों को, एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं लेना, मैं सीमा को भी लेने के लिए तैयार हूँ, बच्चों को भी डर लेने के लिए तैयार हूँ। वो नहीं, अगर वो नहीं आना चाहती है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आना चाहती मेरे बीवी, चलो अल्लाह ना करे तुम्हारा बीवी किसी के साथ जाए, बस उसको बोले मेरे बच्चों को भी लेके जाए, आप चुप करोगे? बोलोगे ठीक है? अब अगर उसने फैसला कर लिया, अगर अगर उसने फैसला कर लिया मेरे साथ नहीं रहना, मैं जबरदस्ती बिठा कर मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता तो क्या उसकी कोई, अगर जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता उसे आप जबरदस्ती अपने साथ रखकर आप क्या करेंगे, मुझे बताइए? अरे एक कानून तो है ना, कानून है, कोई तरीका है, कानून है, तरीका है, तो आप कानून, आप कानूनी तौर पर, आप कानूनी तौर पर उसको तलाक दे दीजिए। तो कहता है ऐसा औरत, अच्छा अभी मैं बस उसके कहने पे कानूनी तौर पे मेरे घर बेच के बच्चों को, और ये इतना बड़ा क्राइम करके अभी बैठ रहा है कि मुझे तलाक दो, मैं बस सबको भूल के उसको तलाक दे दूं सर आपके कहने पे? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए गुलाम जी, जी जी सर जी 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 आप कहिए जी जी। सीमा आप कुछ कह रही थी जी, सीमा जी सर, भारत का कानून हो या पाकिस्तान का कानून, ये हक देता है औरत को अपनी आवाज उठाने का, ये इनका गांव नहीं है या पाकिस्तान की वो गांव नहीं है जो जो दो जूते मारे औरत को बिठा दिया, जैसे आप बोलेंगे वैसे बोलेंगी, मैं उनमें से भी नहीं हूँ। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आ सकती हूँ, क्या मैं इससे नहीं लड़ सकती? और दूसरी बात, अगर मैं पाकिस्तान आई भी, तुम लोग मार दोगे मार दो, पर तुम्हारी तो कभी भी नहीं बनूंगी, ये तुम भी याद रखो, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ और इनकी होके मारूंगा। आप समझ जो बच्चों का फ्यूचर का मसला है, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी, अगर सचिन से दूर हूँ तो मैं जिंदा भी तो नहीं हूँ, ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी? मैं ऐसी कहता हूँ आपको कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं, आप गवर्नमेंट कह रहे हैं। नहीं नहीं, पर एक बात बताइए, एक बार वो भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गई तो फिर उसके बाद भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो पाकिस्तान में आपके हवाले है और आप सऊदी अरब में हैं, कैसे मान ले? क्या ये बात सही है कि आपके पहले से 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी की शिक्षा नहीं हुई, और आपके ये जो 4 बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते, घर पे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं हुई इनकी? सीमा बताइए जी, जी सीमा क्या कह रहे हैं? जी सर बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, इनके खानदान में सब गाय भैंस चारते हैं और क्राइम करते हैं, चोरी पे ये मेरी बेटियों को बेच देंगे, पर आप ये भी तो मानेंगे सीमा, तुम्हारे चाचा क्यों नहीं बाहर जाते?
इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों को मार रखा है। तुम्हारी कहने पे मुख्यमंत्री बन जाओ, हिंदुस्तान का सरकार संभालो, आप तो अहम सवाल है, आप हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपको, यकीन करो। नहीं नहीं, क्या देखिये गुलाम, बात आप बहुत सारे ताने कस रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन एक हद में रहिए आप। नहीं नहीं गुलाम, आप एक हद